उसे श्लोक में यह भी बताया गया है कि एक तो यहां बताया गया धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। जो भगवान का धाम है वो हर प्रकार के मोह जाल से परे है, लेकिन जो भगवान का भौतिक जगत है जो दूसरी लाइन में तीसरी लाइन में आता है, तेजो वारी मिदाम यथा विनिमय यत्र तिसर्गो अमृषा, है ना, यहाँ पे हर चीज वास्तविक लगती है भगवान के प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव के कारण। तो उससे अगले पैराग्राफ में श्री प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि व्यास देव जी इस श्लोक में अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति के बीच में अंतर बता रहे हैं। बहिरंगा शक्ति के कारण हर जीव मोहित है, लेकिन भगवान का धाम बहिरंगा शक्ति से बिल्कुल परे है, वो अंतरंगा शक्ति में है। और यहाँ पे प्रभुपाद जी दो प्रकार के सत्य बता रहे हैं, एब्सोल्यूट ट्रुथ और रिलेटिव ट्रुथ, परम सत्य और सापेक्ष सत्य। दोनों में क्या अंतर है कौन बताएगा? परम सत्य, सापेक्ष सत्य या एब्सोल्यूट ट्रुथ और रिलेटिव ट्रुथ? मदन बाबू बताएंगे। हाँ जी प्रभु जी, प्रभु जी रिलेटिव ट्रुथ इज डिपेंडेंट ऑन एब्सोल्यूट ट्रुथ। At many places, Prabhupada ji gives examples like, if at all any quality that exists in this material world is that the same quality is there in the absolute truth also. So the relative truth is dependent on absolute truth, but absolute truth does not derive its quality from the relative truth. ठीक है, जैसे मैं बोलूं कि इससे मैं मदन प्रभु आपकी एज कितनी है? 32 प्रभु जी। 32, ये सत्य है कि झूठ है? ये सत्य है। सत्य है, लेकिन परम सत्य है क्या? नहीं प्रभु जी। हाँ, लेकिन सत्य है। और जैसे आपने बोला 32, ये सत्य रहा ही नहीं, अगले क्षण आपकी आयु बढ़ चुकी, 32 साल और एक सेकंड हो गए। हाँ जी, 32 साल 2 सेकंड हो। तो ये रिलेटिव ट्रुथ है इस संसार। हाँ जी। और जो परम सत्य है, भगवान हमेशा नित्य किशोर रहते हैं, भगवान के धाम में समय का प्रभाव नहीं, वो एब्सोल्यूट ट्रुथ है। इस भौतिक जगत में समय का प्रभाव है, ट्रुथ है, एक समय के लिए रहता है। ऐसा नहीं है संसार झूठा है, लेकिन टेम्परेरी है। मायावादी लोग क्या बोलते हैं, ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, कि सत्य सामने है लेकिन बहुत ही क्षणिक है, इतना क्षणिक है कि वो असत्य दिखता है, राइट? तो रिलेटिव ट्रूथ, आपने सही बोला, जो रिलेटिव ट्रूथ है वो परम सत्य पर निर्भर है। तो जो इस भौतिक जगत में नजर आ रहा है वो आध्यात्मिक जगत की एक विकृत छाया है। तो जैसे रेगिस्तान में पानी दिखता है तो पानी होता नहीं, लेकिन पानी कहीं तो होता है, उसकी छाया है। इसे प्रभुपाद जी बोलते हैं, असली संबंध, असली प्रेम, असली मित्रता आध्यात्मिक जगत में है ना। इस संसार के प्रेम रिश्ते और सब जो है विकृत छाया है, असली सुख आध्यात्मिक जगत में है। इस संसार में जो सुख दिखाई दे रहा है उस सुख की विकृत छाया है, तो इस श्लोक में समझाया गया है। तेजो वारी मृदम यथा विनमयत यत्र त्रिसर्गो अमृषा, और दिखता सत्य है, हम सबको सत्य दिखता है, ये मेरा घर है, मेरे घर की ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी पोजीशन है, ये मेरे बच्चे हैं, ये सत्य दिखता है, लेकिन ये सत्य जो है क्षणिक है। और ये प्रकृति के तीन गुणों के कारण हमें सत्य दिखता है, लेकिन वास्तविक में हमारा परिवार, हमारा आनंद, हमारे रिश्ते आध्यात्मिक जगत, इस जगत में नहीं, ये जगत विकृत छाया है। दिखते सत्य है, क्यों सत्य दिखते हैं? प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव से। ओके, और फिर इसके अगले पैराग्राफ में बताया गया है कि भगवान की दो क्वालिटीज में और है, अभिज्ञ और स्वराग। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है? Fully cognizant. जो सब कुछ जानते हैं, जो सब कुछ जानते हैं। और स्वराट का मतलब क्या है? जो फुली इंडिपेंडेंट है, वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। तो जैसे उदाहरण दे रहे प्रभुपाद जी, एक चीफ इंजीनियर अपनी फैक्ट्री के कोने कोने को जानता है,
हालांकि वो डायरेक्टली उसको डील नहीं कर, इसलिए भगवान इस सृष्टि के कण कण में है, एक एक कण कण को भगवान जानते हैं। तो इस भौतिक जगत को तो भगवान इनडायरेक्टली जानते हैं, भौतिक जगत से भगवान कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान का सबके साथ डायरेक्ट डीलिंग है, हर भक्त का, हर जीव का भगवान के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप है, हर चीज को भगवान डायरेक्ट जानते हैं। तो डायरेक्टली अनडायरेक्टली भगवान हर वस्तु को, हर आध्यात्मिक भौतिक सृष्टि में हर किसी को जानते हैं, है ना। तो इसलिए परम सत्य के बराबर कुछ नहीं हो सकता और परम सत्य से स्वतंत्र कुछ नहीं हो सकता। सृष्टि की कोई भी वस्तु है वो परम सत्य से स्वतंत्र नहीं है, कृष्ण से स्वतंत्र नहीं, सब कुछ कृष्ण पर निर्भर है, और कोई भी चीज बस कृष्ण के समान नहीं हो सकती। असम ऊर्ध्व, कृष्ण का एक नाम है असम ऊर्ध्व, ना कोई उनके बराबर है ना कोई उनसे ऊपर बढ़ के है, और बड़े बड़े देवता भी स्वतंत्र नहीं है, ब्रह्मा शिव इत्यादि भी स्वतंत्र नहीं है, सबके सब कृष्ण पर निर्भर है, इसलिए कृष्ण को परम स्वतंत्र बोला गया है। और कोई कह सकता है कि सृष्टि की रचना तो ब्रह्मा जी ने की, तो कैसे मालूम चलता है इस श्लोक से कि सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने नहीं की? आदि कवि कौन है? पहले जीव है, पहले विद्वान है ब्रह्मा जी, और तेने ब्रह्म, और ब्रह्म का पूरा ज्ञान उनके हृदय में भगवान ने दिया, प्रकाशित किया। तो इसीलिए वो भी परमेश्वर नहीं है, वो भी स्वतंत्र नहीं है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं बड़े बड़े जो नास्तिक लोग हैं वो भगवान की भगवत्ता को नहीं मानते, वो भी स्वतंत्र नहीं है। हिरण्यकश्यपु, रावण, उनका भी अंत हो गया, वो स्वतंत्र नहीं है। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग, वो भी समझते हैं हम स्वतंत्र है, वो स्वतंत्र नहीं है। बड़े बड़े मायावादी लोग जो समझते हैं भगवान है, उनको भी नीचे आके वो भी स्कूल कॉलेज खोलते हैं, वो भी स्वतंत्र नहीं है, उनको मिशन पर निर्भर रहना पड़ता है। और भगवान जिस प्रकार की सृष्टि की रचना करते हैं बहुत यूनिक है। अगर आपने प्रभुपाद का पटपट पढ़ा, भगवान के क्रिएशन की यूनिकनेस क्या है, एक वैज्ञानिक भी क्रिएशन करता है, मशीन ने बनाता है, भगवान ने भी ये सृष्टि की रचना की, तो दोनों की क्रिएशन में, भगवान की क्रिएशन में एक विशेष बात क्या है जो कि वैज्ञानिक नहीं कर सकते? प्रभु जी वो नियंत्रित मेन और वुमेन में डबल होते हैं भगवान ना, और ये अपने आप फर्दर प्रोड्यूस करती रहती है मशीन्स। यस, वेरी गुड माता जी, आपने पढ़ा इसका मतलब कि भगवान ने इस जंग से मशीन्स बना दिए, नर और मादा के रूप में, मैन और मेल और फीमेल के रूप में, और उनके अंदर इतनी शक्ति का संचार कर दिया कि वे एक और जीव की उत्पत्ति कर सकते हैं, एक और मशीन की उत्पत्ति कर सकते हैं। इसी से हमें कर्तापन का भाव आता है कि यार देखो हम इसके माता पिता हैं, ये हमारी संतान है, तो लगता ही नहीं कि हम इसमें भगवान का कोई हाथ है। लेकिन क्या मनुष्य ऐसे दो रोबोट बना सकता है कि दो रोबोट को इकट्ठा रख दे, तीसरा रोबोट खड़ा हो जाए? नहीं, हो ही नहीं सकता। ये भगवान की विशेषता है, और जो सब कुछ ये समझ लेगा वासुदेव सर्वमिति, वो ही असली महात्मा है। इसके बाद प्रभुपाद जी लास्ट पैराग्राफ में श्री विश्वनाथ ठाकुर जी के बारे में लिख रहे हैं। सर्व की गौर बहु पढ़ोगे आप लास्ट पैराग्राफ, श्री विश्वनाथ ठाकुर जी श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने मौलिक तथा शुद्ध यौन मनोवैज्ञानिक विज्ञान आदि रस की विशेष विवेचना की, जो समस्त भौतिक उन्माद से रहित है। यह सारी भौतिक सृष्टि विषयी जीवन के सिद्धांत के आधार पर गतिशील है। आधुनिक सभ्यता में विषयी जीवन ही सारे कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। जिधर भी कोई अपना मुख मोड़ता है, उधर उसे विषयी जीवन का प्राधान्य देखने को मिलता है। अतः विषय जीवन अवास्तविक नहीं है, इसकी वास्तविकता आध्यात्मिक जगत में अनुभव की जाती है। भौतिक विषय जीवन तो मौलिक तथ्य का विकृत प्रतिबिंब मात्र है, वास्तविक तथ्य तो परम सत्य में है। अतः परम सत्य कभी निराकार नहीं हो सकता, निराकार रहते हुए शुद्ध यौन जीवन रख पाना संभव नहीं। फलस्वरूप निर्विशेषवादी चिंतकों ने गहरित गृहित सांसारिक विषय जीवन को अप्रत्यक्ष प्रोत्साहन दिया है, क्योंकि उन्होंने परम सत्य को, परम सत्य की निराकारता निर्विशेषता पर अत्याधिक बल दिया है।
इसलिए काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को न जानने के कारण मनुष्य ने विकृत भौतिक विषय जीवन को ही सब कुछ मान रखा है। रुगण भौतिक अवस्था के विषय जीवन तथा आध्यात्मिक विषय जीवन में अंतर है। यह श्रीमद् भागवत पूर्व ग्रह रहित पाठक को धीरे धीरे अध्यात्म की इस पैराग्राफ का सार कौन समझा सकता है अपने शब्दों में? विश्वनाथ प्रभुपाद क्या कहना चाह रहे हैं विश्वनाथ ठाकुर जी कमेंट्री से? प्रभु जी मेन ये पर्सनलिज्म पे कह रहे थे कि भगवान पर्सनल है, उसका हमारे प्रैक्टिकल जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? कृष्ण प्रभु जी, हाँ प्रभु जी, भौतिक सृष्टि है ये सेंस ग्रेटिफिकेशन के सिद्धांत पर गतिशील है। हाँ यस, उसके बाद लोकर ग्रेटिफिकेशन लाइफ है, दैट इज नॉट रियल, वास्तविक नहीं वो लाइफ। हाँ तो वास्तविक कहाँ पे है? वास्तविक तो भगवान के धाम में है। तो इम्पर्सनलिज्म से क्या फर्क पड़ रहा है? जो निर्विशेष कंप्लीट कर लीजिए। निर्विशेषवादी लोग जो हैं वो सेंस ग्रेटिफिकेशन को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दे रहे हैं इनडायरेक्टली और इनडायरेक्ट रूप से। कैसे? क्योंकि वो भगवान को भी निराकार मानते हैं। तो उससे क्या होगा? इसका रिजल्ट दिया लास्ट में कि काम के वास्तविक आध्यात्मिक रूप को न जानने के कारण मनुष्य ने विकृत भौतिक विषय जीवन को ही सब कुछ मान रखा है। जो मेटल लाइफ है, भौतिक जीवन है, उसी को हम सब कुछ मान लेते हैं और रियल जो हमारा जो लाइफ है उसको हम भूल जाते हैं। प्रभुपाद बता रहे हैं। कोई और इसको अपने शब्द में बताना चाहेगा? प्रभुजी अच्छा बताया, कोई और कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट करना चाहेगा? प्रभु जी मैं कुछ इसमें प्रयास करूं? हाँ करिए प्रभु। इसमें श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि जो भगवान है उनकी भी इंद्रियां हैं और हाँ। जिसके द्वारा वो शुद्ध मतलब जो प्रेम है उसके ऊपर फोकस कर सकता है जीव, बट निर्विशेष होने की वजह से जीव अपनी इंद्रियों को डाइवर्ट नहीं कर पा रहा भगवान के इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए, इसलिए वो अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के प्रयास में लगा हुआ है। इसका जो तात्पर्य है कुछ ऐसा समझ में आया है। गुड गुड, वेरी गुड, अच्छा बताया आपने। और कोई? वेरी गुड। हल्का सा ये हो सकता है कि मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में जो हम देखते हैं एक्चुअली वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड से पार्ट किया गया है, मुझे बहुत ज्यादा समझ तो नहीं आया। ठीक है यस, और कोई? कि जो भौतिकवादी लोग हैं वो भगवान को निराकार कर कह देते हैं जिससे वो खुद इंद्रियों को अच्छे से भोग कर पाए। यस, तो देखिए ये जो जन्मादि यस्य रता है ना, तो विश्वनाथ ठाकुर जी ने इसी श्लोक के ऊपर 5 कमेंट्रीज दी और इस आदि रस को अलग अलग तरीके से लिया, राधा कृष्ण की लीलाओं तक ले गए वहां, और आदि रस में उन्होंने ये भी ले लिया जो मुख्य जो प्रेम है वो आदि रस है और उस प्रेम का विकृत रूप है लस्ट काम, जो कि भौतिक जगत में है। आध्यात्मिक जगत प्रेम से बना हुआ है और भौतिक जगत काम से बना हुआ है। तासीर बोलते हैं ना पंजाब, किसी चीज की तासीर क्या है? भौतिक जगत की तासीर काम है, आध्यात्मिक जगत की तासीर प्रेम है, प्रेम से ही बना हुआ है। और जीव कोई भी आध्यात्मिक जगत में सारे जीव है, जीव और भगवान के बीच में केवल प्रेम का ही संबंध, और कोई संबंध है ही नहीं, वो प्रेम ही प्रेम है और आदि रस है। वहां पे आध्यात्मिक जगत में दो जीवों के बीच में कोई यौन संबंध नहीं है। यौन संबंध आदि रस, वो जो यौन संबंध है वो आदि रस है, वो जीव और भगवान के बीच में। दो जीव ऐसा नहीं है कि वहां फैमिलीज हैं तो फैमिलीज बच्चे पैदा कर रहे हैं, नहीं, वहां सब सनातन है। वहां से उस तरीके से वहां सेक्स लाइफ नहीं है, सेक्स लाइफ वहां पे भगवान की सेक्स लाइफ है। सेक्स लाइफ में एक पुरुष होता है, एक प्रकृति होती है। पुरुष प्रकृति यानी फीमेल है और पुरुष मेल है,
इस संसार में चाहे हम पुरुष के शरीर में है या स्त्री के शरीर में, हम सब प्रकृति है। लेकिन हम अपने को पुरुष स्त्री मान के उस यौन संबंध का वो विकृत रूप है। तो अगर जो इम्पर्सनलिस्ट है वो बोलते हैं कि भगवान की इंद्रियां नहीं है, तो ऊपर कोई यौन नहीं है, तो इस संसार में हर किसी को रस चाहिए। अगर हम भगवान को निराकार बता देंगे कि भगवान में कोई रस नहीं है, तो फिर इस भौतिक जगत में मैथुन का रस ही सबको सबसे ज्यादा लगता है। तो इसीलिए जो निराकारवादी हैं वो एक तरीके से इस भौतिक जगत में सेक्स को बढ़ावा दे रहे, क्योंकि एक निराकार रहेंगे तो जैसे उन्होंने बताया अपनी इंद्रियों में फोकस जाएगा, अपनी इंद्रियों को ही संतुष्ट करूं, और अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए इस संसार में जो यौन संबंध मैथुन सबसे सर्वोत्तम लगता है और पूरा संसार इसके पीछे ही घूम रहा है ना। एक बार शिला प्रभुपाद जी ने अपने एक नए शिष्य को संन्यास दिया और अगले ही दिन वो प्रभुपाद जी के सामने बैठे थे, यंग से संन्यासी थे। प्रभुपाद ने उनसे पूछा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट न्यूयॉर्क वुमेन, आप न्यूयॉर्क स्त्रियों के बारे में क्या सोचते हो। वो बेचारा घबरा गया, कल ही तो संन्यास की दीक्षा दी, आज प्रभुपाद स्त्रियों के बारे में पूछ रहे हैं। फिर प्रभुपाद बोला, आर दे ब्यूटीफुल, वो सुंदर है ना। अब बेचारा हाँ बोले कि ना बोले, दोनों हाँ बोलेगा तो फंसेगा, ना बोलेगा क्या बोले। प्रभुपाद बोला, दे आर वेरी ब्यूटीफुल। और शर्मा गया तो बोला, प्रभुपाद जी ने कहा, द होल न्यूयॉर्क इज रनिंग टू सेटिस्फाई दिस वुमन। इस संसार में किसी को काम करने का जो प्रेरणा मिलता है, परिवार चलाना है ना, अपने स्पाउस को संतुष्ट करना है, उसी लिए वो सब कुछ वो कर रहा है। क्यों? उसको नहीं मालूम कि असली जो उसका रस है, संबंध है, वो भगवान के साथ है। भगवान भी एक व्यक्ति है। तो अपने जीवन में हम देख सकते हैं, जितना ज्यादा हमारा इस संसार के मैथुन के प्रति, सेक्स के प्रति आकर्षण है, इसका मतलब उतना हमारे अंदर इम्पर्सनलिज्म है। और दूसरी बात, जितना हम भगवान की व्यक्तिगत इंद्रियों को संतुष्ट करेंगे, उतना इन संसार के इस मैथुन के आकर्षण से बचेंगे। और ये इस संसार को मैथुन आगार कहा गया है, इसमें हमें लगता है कि बहुत सुख है और यही हमें बांध के रखता है। और वो कहते हैं, ये तथा कथित छोटा सा सुख हमारे नित्य बंधन का कारण है। और जिसको एक बार भगवान के व्यक्तिगत रूप का स्वरूप का आभास हो गया, अगर हम भगवान के वार्षिक की सेवा में निरंतर जुड़ते हैं, भगवान को एक पर्सनल रूप देते हैं, हमें जो रस मिलेगा वो हायर टेस्ट मिलेगा, उस हायर टेस्ट से हम इस संसार का जो सबसे निकृष्ट चीज है उसका हम लात मार पाएंगे, उससे हम ऊपर उठ पाएंगे। और वो नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब हमारे अंदर अभी भी भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप को लेकर कुछ भी साक्षात्कार नहीं हुआ। इन अ वे इस भौतिक जगत में हम सभी मायावादी, कहीं हमारे अंदर भरा हुआ है मायावाद, भरा हुआ है मायावाद में हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं और भगवान को निर्विशेष मानते हैं, तो वो भरा हुआ है। तो कैसे दूर होगा? जितना हम भक्ति के नियमों का पालन करेंगे, भगवान के व्यक्तिगत स्वरूप का हमें जितना जिस रियलाइजेशन होगा, उतना ही संसारिक तथा कथित सुख से हम अपने आप को ऊपर उठा पाएंगे ना। और यही मैथुन का सुख ग्रॉस रूप में यौन संबंध में है, और यही यौन संबंध सूक्ष्म रूप में पूजा लाभ प्रतिष्ठा की इच्छा के लिए। लोग स्थूल रूप में इसको फिर भी नियंत्रण कर लेंगे, लेकिन सूक्ष्म रूप में ये जाता है पूजा लाभ प्रतिष्ठा चाहिए। आज पूरा संसार इसके लिए पागल है। लोग पावर पोस्ट पोजीशन के लिए मर्डर करने को तैयार है, पॉलिटिक्स करने को तैयार है, कुछ भी करने को तैयार है। तो वास्तव में वो भी क्या है? यौन की इच्छा है। वो भी इसका मतलब, जो इस प्रकार के संसारिक सुख की इच्छा है, इसका मतलब भगवान के साकार स्वरूप का हमें रियलाइजेशन बहुत कम है, ये इसका मतलब। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है और इसमें हम देखते हैं कि बहुत कुछ बोला जाता है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज ने इसी श्लोक के ऊपर 3 महीने टीका की थी, एक एक शब्द के ऊपर बहुत कुछ इस पे टीका की जा सकती है। ओके, नाउ वेलकम टू द सेकंड वर्स, अदरवाइज हम इसी वर्स पे चलते रहेंगे। वेलकम टू द सेकंड वर्स, थैंक यू। धर्म पोजिता केतुवत् परमो निर्मत्सराणां सतां नित्यं वस्त्रम् अत्र वस्तु शिवदं ताप्त्रय अनुमूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वर सद्यो हृदय अपदते अत्र कृतभि शुशुभि तत्क्षणात्। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। पहले 3 श्लोक श्रीमद् भागवतम का एक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, मंगलाचरण समझ लीजिए, है ना। तो पहले श्लोक में तो परम सत्य को इंट्रोड्यूस कर दिया और ये भी बोल दिया कि मैं परम सत्य पे ध्यान लगाता हूँ।
अब दूसरे श्लोक में श्रीमद् भागवतम का कंटेंट क्या है, इसके अंदर क्या हमें प्राप्त होगा वो बताया गया है, और क्या नहीं है, क्या नहीं है। अर्म प्रोजितो केतव अत, केतव का मतलब होता है चीटिंग रिलीजन, धोखे वाले, धोखा देने वाले। धोखा किसको कहते हैं? आप कब बोलेंगे किसी को उसने धोखा दिया मुझे? आपने से किसी को अभी धोखा मिला है, किसी ने धोखा दिया है? जब प्रभु जी कोई किसी की एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं करता तो लगता है धोखा दिया। एक्सपेक्टेशन को पूरा ना करना तो धोखा नहीं कहेंगे, आप तो कुछ भी एक्सपेक्ट लगा के बैठे हो। जो रियलिटी से, रियल चीज से बियॉन्ड जाता है वो धोखा होता है, रियलिटी से बियॉन्ड जाता है वो धोखा। अच्छा, और साधारण भाषा में किसको धोखा बोलेंगे? मुझे धोखा दिया उसने। प्रभु जी हम बच्चे को टॉफी के बहाने दवाई मुंह में डाल देते हैं। यस, ये भी धोखा है। या दो व्यक्तियों के बीच में कोई वादा होता है प्रभु जी, कोई प्रॉमिस होता है, तो अगर कोई एक व्यक्ति उस प्रॉमिस को ब्रेक कर दे तो उसको अमूमन हम धोखा बोलते हैं। हाँ, ये बात भी सही है, वचन तोड़ना धोखा है, कुछ बोल के कुछ और देना धोखा है। जैसे बच्चे को दवाई के रूप में मिठाई के रूप में दवाई खिलाती, वो धोखा है, तो ये धोखा है। तो चीटिंग रिलीजन क्या हुए, धोखे वाले धर्म क्या हुए, ये दो हमने डेफिनेशन निकाली धोखे की, कि जो वचन दिया जा रहा है उसको पूरा नहीं किया जा रहा, और जो देना चाहिए था उसकी जगह कुछ और दे दी। तो धर्म धोखे देने वाले धर्म कौन से हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवान। एक मिनट बोलने जी, माता मथुरा लीला माता जी बोले। प्रभु जी, धर्म का जो वास्तविक उद्देश्य है भगवान से कनेक्ट होना, वो जो पूरा नहीं करता तो फिर वो धोखे वाला धर्म हो जाता है। हाँ, तो ऐसे धोखे वाले धर्म कौन से हैं? जैसे जो सकाम पूजा के सब हैं, जो अर्थ से कनेक्ट करते हैं कि अर्थ मिलेगा, जो ऐसे सब धर्म, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये सब धोखे वाले। तो श्रीमद् भागवतम में झाड़ू लगा दिया, ऐसे पूरा सफाया कर दिया ऐसे धोखे देने वाले धर्म का। इस श्लोक में अत्र शब्द तीन बारी आता है, पहली लाइन में है धर्म प्रोजितो कैतवो अत्र, फिर दूसरी लाइन में आता है वैद्यम वास्तुम अत्र, है ना, और फिर चौथी लाइन में है सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र। अत्र मतलब यहाँ पे, इसमें श्रीमद् भागवतम है। तो श्रीमद् भागवतम का कंटेंट बताया जाता है, यहाँ पे धोखे देने वाले धर्म को झाड़ू मार के बाहर निकाल। भगवत गीता कहाँ खत्म होती है? सर्वधर्मान परित्यज्य, भगवान भी कह रहे जितने धोखे देने वाले धर्म है सब छोड़ दो, माम एकम शरण रज, ये असली धर्म। तो जहां भगवत गीता समाप्त होती है वहां भागवतम शुरू होती है। भागवतम कह रही है कि मैंने तो पहले से गुस्से नहीं दिया, भगवत गीता में तो भगवान ने बताया भैया देवताओं की भी उपासना कर लो, पहले देवताओं के लिए यज्ञ करो, उनसे कॉपरेट करो, आपकी इच्छाएं पूरी होंगी। भगवान ने कर्मयोग भी सिखाया, ध्यान योग भी सिखाया, फिर बाद में सब बोलते सब छोड़ के मेरी शरण में आना असली धर्म, सारे धर्म को त्याग दो। गीता वहां समाप्त होती है, भागवतम वहां से शुरू होती है। अब आपने सब धर्मों को छोड़ दिया उसकी बात ही मत कर, है ना, सारे चीटिंग रिलीजन को छोड़ दिया। ओके, धर्मो प्रोजितो केतवो अत्र परमो निर्मत सराणाम सताम, हाईएस्ट धर्म है ये, और ये किन के लिए है? निर्मत सराणाम सताम, ऐसे भक्तों के लिए है जो कि बिल्कुल द्वेष रहित। भागवतम इस श्लोक में क्या मिलेगा वो बताया जा रहा है, क्या नहीं मिलेगा ये बताया जा रहा है, पाने वाले को योग्यता क्या होनी चाहिए, द्वेष रहित होना चाहिए। क्या मिल जाएगा अगर द्वेष रहित होंगे? तो वैद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, असली वस्तु मिलेगी। वास्तवम, वास्तवम की परिभाषा प्रभुपाद जी ने दी है फैक्चुअल, और प्रभुपाद जी ने इसको अपने अनुवाद में लिखा है हाईएस्ट ट्रूथ इज रियलिटी डिस्टिंग्विश्ड From illusion, भ्रम से परे परम सत्य वास्तव वो है।
तो यहां पे हमें परम सत्य की प्राप्ति होगी जो भ्रम से परे है। और परम सत्य क्या है? जीव और भगवान के बीच में प्रेम का संबंध, तो वो प्राप्त होगा। कोई धोखे वाला धर्म प्राप्त नहीं होगा। धर्म का अर्थ ही है भगवान से प्रेम करना, वो भागवतम में प्राप्त होगा। किसको प्राप्त होगा? जो कि द्वेष रहित हो। दूसरा, जब धोखा होता है किसी के साथ तो किसका दोष होता है? धोखा देने वाले का कि धोखा खाने वाले का? दोनों ही इक्वली होते हैं प्रभु जी। क्यों भाई, धोखा खाने वाले का क्या दोष है? उस बेचारे के साथ धोखा होगा। प्रभु जी इंटेलिजेंट होना चाहिए थोड़ा सा कि धोखे से बचे। ये तो गलत बात, इसका मतलब हो गया कि भागवतम पढ़ने के लिए बुद्धिमान होना चाहिए हैं? दोहा देने वाले के दोष होता है सारा है रंती देव प्रभु, किसका दोष होता है? धोखा देने वाले का, धोखा खाने वाले। प्रभु जी खाने वाले का जैसे कि वो मतलब शास्त्रों को डिनाई करता है तो इसलिए उसका शास्त्रों के अनुकूल नहीं चलता तो धोखा खाता है। पर ये तो धर्म में धोखा खा रहे हैं ना प्रभु जी। प्रभु जी जीव जो है अपनी मटेरियल डिजायर्स को कंप्लीट करने के लिए अलग अलग जगह ट्राई करता है। उसको पता है कि उसको अनुभव है कि चीजें पूरी नहीं हो रही, पर फिर भी वो प्रयास करता जा रहा है। तो ये अपने आप में उसको अनुभव होने के बावजूद भी वो धोखे खा रहा है, तो ये उसकी अपनी एक गलती है जिसको वो बार बार ट्राई कर रहा है। ठीक बात है, वेरी गुड। धोखा खाने वाले की भी गलती होती है। हम धोखा क्यों खाते हैं? हम कोई अच्छी चीज सस्ते में चाहते हैं, है ना भैया? सस्ते में मिल गया यार, क्या बात करो, चाइनीज प्रोडक्ट आया, अरे क्या बात है यार, स्मार्टफोन 3,000 रुपए में, क्या बात कर रहे हैं। हाँ भैया, सारे फीचर्स हुए, लेके तो देखो वो 2 दिन में नहीं चलता। पुराना जोक होगा ना, आपने सुना होगा कि पुराना जोक याद आ गया। गर्मी का मौसम था, सब स्लीपर क्लास में ट्रेन में जा रहे हैं, खचा खच भरी हुई है और बहुत पसीने आ रहे हैं। तभी वहां पे आया पंखे पंखे पंखे, 2 रुपए के 4 पंखे, 2 रुपए के 4 पंखे। तो एक फैमिली थी, पति पत्नी, 2 बच्चे, बड़ा अच्छा हो गया यार, 2 रुपए तो कुछ भी नहीं है, लाओ भैया 2 रुपए के 4 पंखे दे दो। और जैसे पंखा किया, पंखा टूट गया, ओए धोखा दे दिया 2 रुपए का। कह रहा कैसे पंखा किया? तो यूं किया था। बोले ऐसे थोड़ी करना, यूं रखे, यूं हिलाना था, पंखे को सीधा रखना था, मुंह को हिलाना था। और ये क्या, पहले क्यों नहीं बताया? बोले 2 रुपए में और क्या मिलेगा, 2 रुपए में 4। आप सोचे 2 रुपए में 4 पंखे ऐसे मिल जाएंगे जो गर्मी दूर कर देंगे। तो हम लोग भी सस्ते में बढ़िया चीज जब चाहते हैं तो धोखा होता है। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है, अगर आप श्रीमद् भागवतम की शरण ले रहे हैं और शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं तो फिर आपको वास्तविक वस्तु प्राप्त नहीं होगी, है ना? आपको द्वेष रहित होना पड़ेगा, सिंसियर होना पड़ेगा। कोई अल्टीरियर मोटिव के साथ भागवतम नहीं पढ़नी सकते। भागवतम साक्षात कृष्ण है, ग्रंथ अवतार है। हम हर संसार में किसी को भी धोखा दे सकते हैं, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। तो अगर हमने भागवतम की शरण लेनी है तो बिल्कुल निष्कपट होकर शरण ले। भागवतम साक्षात कृष्ण है, भगवान के सामने जब जाते हैं, राधा माधव जी के सामने जाते हैं, राधा वृंदावन चंद जी के सामने जाते हैं, तो कोई धोखे के साथ नहीं बोलते, मैं धोखेबाज हूं, मेरे हृदय को शुद्ध कर दो, बहुत कपट है, ऐसा बोलते हैं। भगवान के साथ धोखेबाजी नहीं होती। तो भागवतम को कोई अल्टीरियर मोटिव्स के साथ नहीं, है ना? मुझे जानना है, परम सत्य को जानना है, मुझे भक्ति में आगे बढ़ना है, इस उद्देश्य के साथ आगे बढ़ेंगे तो भागवतम प्रॉमिस करती है आपको, अगर आप ठीक हैं, अगर आप धोखा खाने वाले उसमें नहीं है, आप वास्तविक धर्म को ढूंढ रहे हैं, तो यहाँ जरूर मिलेगा। वेद्यम वास्तवम अत्र वस्तु, यहाँ पे वो वास्तविक वस्तु मिलेगी, वो परम सत्य मिलेगा जो कि सारे प्रकार के दोखों से परे है, भ्रम से परे है। और क्या है, और क्या मिलेगा यहाँ पे? शिवदम, ये सबके लिए मंगलकारी है। और क्या है? ताप त्रय उन्मूलनम,
ये संसार के जो तीन ताप है उसको जड़ से खत्म करते, ये ऐसा परम सत्य है। ऐसी चीज आपको वास्तविक वस्तु मिलेगी जो आपके लिए मंगलकारी नहीं, सबके लिए मंगलकारी है, और ये तीन तापों को जड़ से खत्म कर। तो क्या है ये? श्रीमद भागवते महामुनि कृते किं वा परिरीश्वर। ये श्रीमद भागवतम महामुनि स्वयं वेदव्यास जी कह रहे हैं अपने आप को महामुनि, मैंने अपनी परिपक्व अवस्था में लिखा है। एक कंपनी के कई प्रोडक्ट होते हैं और हर प्रोडक्ट जब वो लॉन्च करते हैं बोलते हैं अब नए पैक में नया पावर पैक प्रोडक्ट आया है, ये प्रोडक्ट पहले से बेटर है। लेकिन यहाँ पे व्यास जी बता रहे नहीं, मैंने जितने भी ग्रंथ लिखे हैं उससे सर्वोत्तम यही है, श्रीमद् भागवतम महामुनि कृते किं वा परिरीश्वरा, फिर किसी और के पास जाने की क्या आवश्यकता है। व्यासदेव जी खुद कह रहे हैं, कोई कह सकता है व्यासदेव जी अपना गुणगान खुद करें तो अच्छा नहीं लगता, तो व्यासदेव जी सेल्फ ग्लोरिफिकेशन नहीं कर रहे, व्यासदेव जी इन अ वे हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे, मैं बता रहा हूं ये मेरा बेस्ट प्रोडक्ट है ना, आई एम टेलिंग यू द फैक्ट, दिस इज माई बेस्ट प्रोडक्ट, मैंने बहुत से ग्रंथ लिखे लेकिन ये बेस्ट प्रोडक्ट है क्योंकि मैंने इसको अपनी परिपक्व अवस्था में लिखा। ओके, और क्या होगा? सद्यो हृदय अवरुद्धते अत्र कृत भी शुष्य भी तत्क्षणात। इसका फायदा कैसे उठाना है? इसको अगर हम शुष्य भी शुशु जो सुनने का कल्चर है, सुनना नहीं है कल्चर के साथ सुनना है, बड़े विनम्रता के साथ सुनना है, बड़े धैर्य और श्रद्धा के साथ सुनना है, तो क्या होगा? सद्यो बहुत जल्दी हृदय अवरुद्धते अत्र, जो हृदय में आप भगवान को कैद कर लेंगे, कृत भी जिनकी कुछ सुकृतियां इकट्ठी हो रखी हैं और जिन्होंने बहुत ही विनीत भावना से सुना है, जैसे हम भागवतम को सुनेंगे तो हम भगवान को अपने हृदय में कैद कर लेते हैं। तो बहुत सुंदर श्लोक है, इसमें भागवतम का कंटेंट बताया गया, क्या भागवतम में नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, भागवतम को रचने वाले की उसकी योग्यता बताई गई, भगवान भागवतम का सही लाभ उठाने के लिए क्या योग्यता चाहिए, ये सारा का सारा इसमें वर्णन आता है। ठीक है, और जो इसमें बात आती है कि ये वेदों में बताए गए कर्मकांड ज्ञान कांड उपासना कांड से परे है। कैसे? पहली लाइन बता रही है धर्मो प्रोजितो केतवो अत परमो निर्मत सराना सताम। जितने भी चीटिंग रिलीजन है कर्म कांड है इसको ही रिजेक्ट कर देते हैं। ओके, तो पहली लाइन में क्या है? इस रिजेक्टिंग कर्म कांड। दूसरा वैद्यम वास्तम अत्र वस्तु शिवतम ताप त्रय उन्मूलनम, ये कौन से कांड को रिजेक्ट कर रही है? ये वो गुरुवास्तम जो में जो हम पहली लाइन बोलते प्रभु जी संसार दावानल उसके, हाँ हाँ, तो कौन से भागवतम के जो वेदों में तीन कांड है कौन से कांड को रिजेक्ट कर रहे? धर्म अर्थ काम नहीं, तीन कांड है कर्म कांड ज्ञान कांड उपासना। पहले में तो जो कैट ऑफ धर्म है चीटिंग रिलीजन है कर्म कांड करके कुछ फल मिल जाएगा उसको रिजेक्ट कर रहा है, दूसरे में किसको रिजेक्ट कर रहा है? ज्ञान कांड को प्रभु जी। कैसे? वेरी गुड, क्योंकि प्रभु जी स्टडी से रिलेटेड है ना, वेद स्टडी से रिलेटेड है, ज्ञान अर्जन से रिलेटेड, ज्ञान अर्जन से रिलेटेड है, और जो ज्ञानी होते हैं वो क्या होते हैं? संसार के तीन दुखों से छुटकारा चाहते हैं ना, तो बोले नहीं ये जो अस्थि सत्य मिलेगा ये आपको कर देगा, ज्ञान कांड की आवश्यकता नहीं। और फिर तीसरी लाइन किसको रिजेक्ट कर रही है? उपासना कांडी बचा। कैसे? उपासना कांडी बचा, बहुत बिल्कुल सही है। कैसे? हरे कृष्णा बाबू जी। हाँ, अनन्य भक्ति की बात कर रहे हैं ये। हाँ, कैसे अनन्य भक्ति बात कैसे हो रही है माता जी? किसी और अन्य ईश्वर की जरूरत नहीं, अनन्य भक्ति भगवान परिरीश्वर। उपासना कांड बोल रहा है कि किसी और ईश्वर के पास जाने की आवश्यकता क्या है।
वेदों के कर्म कांड और उपासना कांड में अंतर क्या है? सॉरी प्लीज रिपीट द क्वेश्चन प्लीज. कर्म कांड और उपासना कांड में अंतर क्या है? हाँ जी, कर्मकांड में हम खुद अपने पे डिपेंड करें कि मैं कर्म करूंगा उसका फायदा मुझे मिलेगा. आई एम यूजिंग माय ओन पावर टू डू कर्मा टू एंड टू गेट द रिजल्ट आल्सो बाय डूइंग दैट कर्मा. और उपासना कांड में हम उपासना करें कि उपासना करने से हमें कुछ प्राप्त होगा, इसमें ज्यादा जोर रहेगा. अच्छा और कोई? हरे कृष्ण प्रभु जी. कर्म कांड में हम देखते हैं कि हम कर्म करेंगे और उसका फल के बारे में फोकस करते हैं, और जबकि उपासना कांड में यह है कि भक्ति, जिसको बोलते हैं भक्ति योग, इट्स ये टोटली भगवान की प्लेजर के लिए ही किया जाता है. वेरी गुड, थैंक यू माता जी. कर्म कांड में यज्ञ बताए गए, तरह तरह के तरीके बताए गए अपनी सकाम इच्छाओं को पूरा करने के लिए. उपासना कांड में सभी देवताओं की उपासना बताई गई है और साथ में विष्णु की उपासना भी बताई गई है. क्लियर, भक्ति योग नहीं बताया गया. उपासना कांड की परिकाष्ठा है, उपासना कांड समाप्त होता है भक्ति योग में जाके, जो कि वेदों में बहुत गुहित है ना. वेदेश सर्व, भगवान गीता में कहते हैं वेदेश सर्व अहमेव वेद्यो, सभी वेदों की तरह मुझे ही जानना है, लेकिन बहुत छुपा हुआ सत्य. तो अक्सर लोग कर्म कांड और ज्ञान कांड में ही फंसे रह जाते हैं. और उपासना कांड में भी तरह तरह के देवताओं की भी पूजा है और विष्णु की भी पूजा है. अभी भगवान शिव पार्वती कहते हैं ना, आराधना नाम सर्वेशम विष्णु आराधना परम, सबकी आराधना बताई गई है वेदों में, लेकिन सबसे परम आराधना विष्णु की है. तो उपासना कांड है, तो उसकी भी जरूरत नहीं है. तो शुद्ध भक्ति की बात की जा रही है, ये सेकंड श्लोक भागवतम का बता रहा है. और ये बता रहा है कि इसको अगर हमने जो सुकृति जिनकी इकट्ठी हो रखी है, कृति भी जिनकी भक्ति की सुकृति इकट्ठी हो रखी है, और शुशु भी, और सही चेतना के साथ, सही संस्कारों के साथ, कल्चर के साथ वो श्रवण करते हैं, तो भगवान उनके हृदय में कैद हो जाते हैं. तो इसके विषय में इस श्लोक के तात्पर्य के अंतिम पैराग्राफ में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, लेस फॉर्चुनेट पर्संस आर नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन हियरिंग दिस श्रीमद् भागवतम. जो दुर्भाग्यशाली लोग होते हैं उनकी बिल्कुल भी रुचि नहीं होती भागवतम को सुनने में. अगली लाइन प्रभु बहुत सुंदर लिख रहे हैं, दिस द प्रोसेस इज सिंपल बट द एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट. प्रोसेस बहुत सरल है, आपको विनीत भाव से सुनना है, भगवान आपके हृदय में कैद हो जाएंगे. कोई बोलेगा प्रभु जी हाँ, तो बोला जो वेश रहित लोग हैं उन्हीं को फायदा होगा. यस, जितनी मात्रा में हमारे हृदय में द्वेष है उतना हमारे हृदय में भगवान का साक्षात्कार कम हो. भगवान गीता में कहाँ कहते हैं अर्जुन को कि तुम द्वेष रहित हो इसलिए तुम्हें मैं ज्ञान दे रहा हूं. प्रभु जी प्लीज रिपीट द क्वेश्चन. भगवान गीता में कौन से अध्याय में, कौन से श्लोक में कहते हैं कि अर्जुन तुम द्वेष रहित हो इसलिए तुम्हें मैं ज्ञान दे रहा हूं? श्लोक में भक्तों असली में सखा क्या बोल रहे हैं प्रभु, जिसमें कि तुम मेरे फ्रेंड हो, तो पॉजिटिव हो गए, तुम मेरे भक्त हो, सखा हो इसलिए बता रहा हूँ. वो ठीक है, लेकिन एक प्रैक्टिकल बता रहे हैं कि तुम द्वेष रही तो इसलिए तुम्हें ज्ञान है. इदं तु ते गोयतमं प्रवक्ष्यामि अनुसूयवे. अनुसूयवे का मतलब है द्वेष रही. 9.2. तो ये जितनी मात्रा में हमारे हृदय में द्वेष होगा उतना हम भक्ति में कम प्रगति करेंगे, लेकिन भागवतम का विनीत पूर्वक श्रवण करेंगे तो नष्ट प्रायशु भद्रेशु नित्यम भागवत सेवया. भागवतम सनातन गोस्वामी बताते हैं असाधु को साधु बना सकती है. प्रोसेस इज सिंपल बट द एप्लीकेशन इज डिफिकल्ट. हम देखते हैं कई भक्तों से हम रिक्वेस्ट कर करके थक जाते हैं, प्रभु भागवतम में आया करो, भागवतम सुना करो, सुना करो, सुना करो.
ये बोलते हैं लोग इतनी इम्पोर्टेंस नहीं देते, क्या फर्क पड़े भागवत तुम सुनना यार, छोड़ो यार, तो प्रैक्टिकल बात करो, प्रैक्टिकल कोई एक्शन बताओ, कोई सेवा बताओ, कुछ लगता नहीं भागवतम से कोई लाभ होगा क्या भागवतम सुनना, नहीं ये बहुत उसको दुर्भाग्यशाली लोग बता रहे हैं। जब चैतन्य चैतन्य के अंत लीला में वर्णन है, प्रद्युम्न मनुष्य एक ब्राह्मण थे उच्च कोटि के, वो चैतन्य महाप्रभु के पास आए कि मुझे आप भागवतम सुनाइए। महाप्रभु ने बोला देखो मुझे तो ज्यादा कुछ आता नहीं, आप रामानंद राय के पास जाओ उससे सुनो, और आपको जाना चाहिए, आप आपका सौभाग्य जागृत हो गया है कि आपको भागवतम सुनने में रुचि आ रही है। किसी की भागवतम सुनने में रुचि हो जाए, भागवतम को पढ़ने में रुचि आ जाए, उसका सौभाग्य समझो जागृत हो गया। और जिसका भागवतम सुनने में रुचि जागृत नहीं हो रही है, भागवतम पढ़ने में रुचि जागृत नहीं हो रही, उसको अपने को दुर्भाग्यशाली मानना चाहिए। तो कैसे ये सौभाग्य आ सकता है, कैसे भागवतम को सुनने में रुचि बढ़ सकती है, रुचि नहीं है तो सर्विंग दोस डिवोटीज जिनकी खुद की भागवतम में रुचि है। हाँ, ये हम आगे सेकंड चैप्टर में भी चर्चा करेंगे। सुशोषद धानस्य वासुदेव कथा रुचि सात मह सेव्या विप्र पुण्य तीर्थ निशेवनाथ, उन भक्तों की सेवा करके जिनकी भागवतम को सुनने में रुचि है हमारी रुचि बढ़ेगी, और ये हमारी भक्ति का पिलर है, भागवतम हमारा जीवन है। आपको स्टार्टिंग के दो वर्सेस तीन वर्सेस कुछ मुश्किल लग रहे होंगे, लेकिन भागवतम बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसको जितनी बारी पढ़ेंगे, जितनी बारी सुनेंगे, इसमें डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे, डूबते जाएंगे। खाली हमें अपने जीवन में इसको प्रायोरिटी देनी है। कोई व्यक्ति कैसा है इससे मालूम चलता है, कैसे मालूम चलता है कोई व्यक्ति कैसा है, वो अपने जीवन में किसको प्रायोरिटी देता है उससे मालूम चलता है वो व्यक्ति कैसा है। कोई व्यक्ति पैसे को बहुत प्रायोरिटी देता है, कोई व्यक्ति अपने नेम फेम को बहुत प्रायोरिटी देता है, ये होना बहुत जरूरी है, लेकिन कौन व्यक्ति का चरित्र कैसा है, अपने जीवन में किसको प्रायोरिटी दे रहा है। तो हम लोग भक्ति के पास मार्ग में हैं, प्रभुपाद जी के आंदोलन में हैं, हमारे जीवन में टॉप मोस्ट प्रायोरिटी हो जाती है भागवतम के अनुसार पढ़ना है, समझना है, इसके अनुसार अपने जीवन को चलाना है, यही हमारी लाइफ की प्रायोरिटी होनी चाहिए। ये करेंगे तो हम देखेंगे हमारे जीवन के बाकी सारे पहलू अपने आप ठीक हो जाएंगे। ओके, तो दूसरा श्लोक मैंने सोचा तीसरा श्लोक भी करेंगे, यहीं पे विराम देते हैं। कोई प्रश्न है या तीसरा श्लोक भी ले लें 10 मिनट जैसा आपका हो। प्रभु जी क्वेश्चन था, प्रभु जी बोलिए। प्रभु जी प्रभु इसमें जो द्वेष बोला गया है कि द्वेष रहित होना है, वो मतलब द्वेष किसके प्रति, मतलब भगवान के प्रति या मतलब किस चीज को इंडिकेट करता है द्वेष? प्रभु जी इस संसार के किसी भी जीव के प्रति द्वेष है वो भगवान के प्रति द्वेष जी प्रभु, ठीक है ना। प्रभुपाद उदाहरण देते, आप चावल खरीदने गए, चावल का सैंपल देते, सैंपल देखा तो पूरी बोरी को रिजेक्ट कर दिया, तो जो जीव वो सैंपल गॉड, छोटे भगवान सैंपल गॉड। किसी भी जीव के प्रति हम कंपटीशन की भावना, द्वेष की भावना रख रहे हैं, क्योंकि भगवान का वो अंश है, तो भगवान से द्वेष कर। ओके ठीक है, थैंक यू। रवि जी हरे कृष्ण। हाँ रवि, जैसे अभी हम रूटीन लाइफ में, चलो एक अलग चीज होगी द्वेष रखना, लेकिन कई बार हम जब अपने काम में होते हैं, व्यापार में होते हैं, तब भी हमें ऐसी भावनाओं से बचना चाहिए। ऑब्वियसली द्वेष रखने का ही मतलब है कि आपको भगवान पे विश्वास नहीं है, ये पूरा संसार ही द्वेष से बना हुआ है। जहां काम वासनाएं हैं, पैशन है, इच्छाएं हैं, वो द्वेष आएगा ही आएगा। तो एक मिनट के लिए बताइए, मैं जरूर आऊंगा। तो द्वेष से रहित होने के लिए सबसे अच्छा है कि सबसे पहले तो पहचान ले मेरे अंदर द्वेष है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है कि यार मुझे को द्वेष हो रहा है, तो गलत बात है ना। हमें कोई बीमारी के लक्षण अंदर प्रकट हो रहे हो तो हम सावधान हो जाते हैं, यार बीमारी होने वाली है, तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी है ना। कोरोना के सिम्टम्स आते थे, सब बड़े एकदम तैनात हो जाते थे, यार कोरोना के सिम्टम्स तो नहीं है, चेक करो जरा फटाफट। तो इसी ढंग से पहले अगर हमें मालूम चल जाए यार ये तो द्वेष की भावना,
द्वेष का मतलब क्या है कि दूसरे की उत्कृष्टता, दूसरे की सुपीरियरिटी सहन नहीं होती कि दूसरा मेरे से बेहतर कैसे हो गया, दूसरे को क्यों मिल रहा मुझे क्यों नहीं मिल रहा, दूसरे की खुशी दूसरे का सुख सहन नहीं होना। तो चाहे वो बिजनेस के फील्ड में है या भक्तों के समाज में है, वो द्वेष है। इसको लेकर चलेंगे ना तो ज्ञान हृदय में प्रकाशित ही नहीं होगा, वो अब वो हम सबके अंदर कूट कूट के भरा पड़ा है, तो इसमें कोई झूठ बोलने वाली बात ही नहीं है, तभी तो इस संसार में हम हैं, तो उसमें घबराना नहीं है। जितना हम विनम्रता से भागवतम को पढ़ेंगे समझेंगे, ये स्वीकार कर लेंगे मेरे में द्वेष है, मुझे अपने आप को सुधारना है, सनातन गोस्वामी कह रहे हैं ना असाधु को साधु बना देती है, नीचे से गिरे हुए गिरे व्यक्ति को। मैं आपको स्क्रीन में दिखाता हूँ, पहली बार वो श्लोक पढ़े थे, आई विल शेयर दैट स्क्रीन विद यू, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक। आगे स्क्रीन पर नहीं आया ना? आ गया प्रभु जी, स्क्रीन नहीं आया, एक मिनट दोबारा से। आगे पढ़ो देखो ना, असाधु साधु दाई ना अति नीचो चतार का है, आ गया ना, असाधु साधु दाई ना साधु को साधुत्व दे देता है, अति नीचो च तार का, जो बहुत नीच व्यक्ति है उसको भी तार देता है। माना मुंच कदाचिन माम प्रीत, ये नहीं आया अभी तक, नहीं नहीं कोई और स्लाइड है मुझे। परमानंद पत्र कौन सा श्लोक है भैया? प्रेम वश परमानंद आया प्रेम वश आकर्षते क्या दिख क्या ये आ रहा आप स्लाइड में, क्या आ रहा आपको? मत एक बंधो मत संगीन मत गुरु मन महाधना, अच्छा ये आ रहा है हैं? ठीक है, आप चेंज नहीं हो रही स्लाइड? आ गया प्रभु जी, अब आ गया। अब असाधु साधु दाइना आ गया? जी असाधु साधु दाइना अति नीचो चत, पढ़ो पढ़ो पूरा पढ़ लो, पढ़िए प्रभु अमृत कौर प्रभु। असाधु साधु दाइना अति नीचो तार का हाना मुंच कदाचिन मामा प्रेमना हित कतयो फुरहा कंठयो फुरा, धन्यवाद पढ़िए। Translation. Hari Bol. Will you translation नहीं आया? अब पीछे के slide translation कौन पढ़ेगा? तो ये इसमें दिखा रहा है कि आपका band भी low आ रही है, तो इस कारण से ना ये slow हो गया बहुत बहुत ज़्यादा, तो आप ही पढ़ दीजिए प्रभु जी। Anyway, ये कह रहा है ओके हाँ मैं बता ही दिया आपको मैंने, साधु साधु तारणा जो नीच से नीच व्यक्ति उसको ना जाना, हित स्फुरा मेरे हृदय और मेरे कंठ में हमेशा स्फुरित रहे, ये भागवतम से प्रार्थना की जा रही। तो हमारे में कितनी भी गंदी भावनाएं हैं वो हमें तार देगा, पहले हम इसको पहचाने हाँ मेरे अंदर ये है, और उस विनम्र भावना से भागवतम की शरण ले तो भागवतम चमत्कार करते, भागवतम साक्षात भगवान। ठीक है ना, ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न? प्रभु जी मेरा एक प्रश्न था प्रभु जी। हाँ जी, कई बार आप किसी से द्वेष नहीं करते लेकिन कोई आपसे द्वेष करे तो हाँ। उस स्थिति में क्या करना चाहिए? हमें क्या महसूस होता है जो हमसे द्वेष करे तो?
अच्छा नहीं लगता, दिखता है कि हाँ ये हमसे द्वेष कर रहे हैं। हाँ, तो हमें क्या करना है कि हमें ऐसे कार्य करने कि उसका द्वेष हमसे बढ़े ना। जैसे राजा चित्रकेतु थे, उनकी 1 करोड़ रानियां थी और पुत्र हुआ सबसे छोटी रानी थी, कृतद्युति उसका नाम था। तो 99,99,999 रानियां नेग्लेक्ट फील कर रही थी। 99,99,999 रानियां परेशान थी कि राजा चित्रकेतु उस छोटी रानी को ज्यादा अच्छा ट्रीटमेंट दे रहे थे। तो अगर वो थोड़ा उनके साथ अच्छा व्यवहार कर लेता तो वो इतना द्वेष ना होता, और सबको इतना द्वेष बढ़ गया कि वो बच्चे की हत्या कर दी उन्होंने मिलकर। तो हमें जब किसी को लगे, हम ऐसा महसूस कर लें कि ये व्यक्ति मेरी तरक्की से थोड़ा परेशान है, तो हमें फिर कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए कि उसका थोड़ा द्वेष कम हो जाए, थोड़ा वो ना थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए उससे। हमें अननेसेसरली हमें ऐसी चीजें ना करें कि उसका उद्देश्य बढ़े। कई बार बोलते ना, जलता है तो जलने दो यार उसको, और जलाते हैं थोड़ा इसको। एक गाड़ी का एडवर्टाइजमेंट आया था, व्यक्ति गाड़ी चला रहा है, साथ में उसकी गर्लफ्रेंड बैठी है और पड़ोसी उसको बड़े गुस्से से देख रहा है, और ऊपर टैग लाइन है एंजॉय द एनवी इन द आईज ऑफ योर नेबर। अपने पड़ोसी की आंखों में जो द्वेष है उसको एंजॉय करो। तो हमने ऐसे कार्य नहीं करने कि दूसरों का द्वेष और बढ़े। दैट वे हम थोड़ा केयर कर सकते, केयरफुल रह सकते। एक मिनट थोड़ा होल्ड करेंगे, मैं कोई डोर नॉक कर रहा हूं, एक मिनट होल्ड कीजिए। हाँ जी, सॉरी। ठीक है जी, और कोई प्रश्न किसी का? माता जी क्लियर है? हाँ थोड़ा सा क्लियर है, ज्यादा क्लियर तो नहीं है। ये 2 श्लोक भी अभी दोबारा पढ़ूंगी। तो जी मैं इतनी बार पढ़ चुकी हूँ इन श्लोकों को, लेकिन मेरी बुद्धि में नहीं बैठते ये श्लोक। दोनों श्लोक बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल है। बहुत इंटरेस्टिंग लगे मुझे तो। हाँ, अभी फिर पढ़ूंगी दोबारा से। मतलब मैं कितनी बार पढ़ चुकी हूँ फिर, पर मुझे बहुत ज्यादा समझ में नहीं आते ये दोनों श्लोक। एक्चुअली इन श्लोकों में हम ज्यादा टाइम इसलिए स्पेंड कर रहे हैं ताकि हमें मालूम चल जाए कि ये इन्वोकेशन है, मंगलाचरण है, कि भागवतम में है क्या। जब तक भागवतम की सही महिमा को नहीं समझेंगे तो हम इसको सही ढंग से ग्रहण नहीं कर पाते। और अगर आप समझ में नहीं भी आ रहे हैं तो प्रार्थना करके पढ़िए, प्रभुपाद जी से प्रार्थना कीजिए, भागवतम से प्रार्थना कीजिए, गुरु महाराज से प्रार्थना कीजिए, और पढ़ते रहिए, अपने आप प्रकट होंगे। थैंक यू पूछ। ओके, एनी अदर क्वेश्चंस? यस, आई हैव वन क्वेश्चन, इफ यू गिव परमिशन आई मे आस्क। हां पूछिए रोहित प्रभु। प्रभुजी आपने बताया कि भागवतम में धर्म अर्थ काम मोक्ष इन सबको कैतव धर्म बताया गया है, और इनकी चर्चा विशेष रूप से है नहीं भागवतम में, केवल शुद्ध भक्ति की चर्चा की गई है। हाँ। भागवतम में ऐसे कई अध्याय आते हैं जिनमें अंत में फलश्रुति होती है। हाँ। जैसे वेदाबेस पे 5.14.46 खोला हुआ है, जो भरत महाराज का जो प्रसंग आता है उसका अंतिम श्लोक है ये। तो इसमें जैसे लिखा हुआ है कि इन दिस वे वन कैन फुलफिल ऑल हिज मटेरियल एंड स्पिरिचुअल डिजायर्स, और वंस लाइफ स्पैन विल इंक्रीज, हिज ऑपुलेंस विल इंक्रीज, अगर वो महाराज भरत की कथा को सुनता है तो इसमें कहीं ना कहीं धर्म काम मोक्ष का भी रेफरेंस आ रहा है कि अगर हम भागवतम को सुनते हैं तो हमें ये भी मिलेगा फलश्रुति के सुनते। तो इसको हम कहते हैं, सही कह रहे हैं। इसी ढंग से पृथु महाराज के प्रसंग में भी ऐसा आता है। तो ऐसा कुछ एक दो स्थानों पर किया गया है, क्योंकि जैसे माता जी कह रहे थे कि बच्चों को दवाई पिलानी है तो मीठा डाल के पिलाया जाता है। नहीं, कोई भरत महाराज के चरित्र को पढ़ेगा या पृथु महाराज के चरित्र को पढ़ेगा, उनका पूरा चरित्र शुद्ध भक्ति से है ना, वो पढ़ेगा तो उनके अंदर वैराग्य आएगा ही आएगा। बाकी जो वेदों में
इस प्रकार क्या बताया गया, ये होगा तो ये प्राप्त हो जाएगा, ये होगा तो ये हो जाएगा, तो उसके कंटेंट में भी कुछ नहीं है। जिस चीज से आकर्षित कर रहे हैं वो प्योर यही है कि धर्म का पालन करो अर्थ कमाने के लिए, और अर्थ का काम यूज करो अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए, फिर आप उससे फ्रस्ट्रेट हो जाओ तो मोक्ष की इच्छा करो, तो ये पूरा साइकिल है। लेकिन भागवतम की कथाओं को, कथाओं के प्रति आकर्षित करने के लिए बद जीव को ऐसे लॉलीपॉप दिए गए हैं, लेकिन वो एक बार इन कथाओं से आकर्षित हो गए तो निश्चित रूप से वो शुद्ध भक्ति के मार्ग में आ जाएंगे। ऐसे आगे आगे भागवतम में कई जगह पे आप वंशावली पढ़ेंगे, पूरे पूरे अध्याय में वंशावली बताई गई है, उसके पुत्र ये, उसके पुत्र ये, उसके पुत्र ये। अब इसमें शुद्ध भक्ति कहाँ वर्णन है, कोई कह सकते क्या है? वंशावली चल रही है, क्योंकि हर चीज कृष्ण से संबंधित है, इसीलिए हर चीज प्योर है। ठीक है, ओके, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु जी, बस एक चीज और एक्चुअली ये कोई क्वेश्चन नहीं है। प्रभु जी, 26 जनवरी को इस्कॉन हम लोग गए थे, इस्कॉन गुड़गांव में, वहाँ आपने एक विषय लिया था अनर्थास के ऊपर, क्योंकि उसकी कोई सॉफ्ट कॉपी अगर मिल जाती तो ठीक है, वो तो बाकी सबका विषय नहीं, आपको और मेरे के बीच की बात है, वो बात कर दे दूंगा आपसे। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण, भागवत की अनंत कोटि वैष्णव।